के टोटल जितने भी गुड्स और सर्विसेस एक देश ने प्रोड्यूस किए हैं एक टाइम फ्रेम में जैसे कि एक साल के अंदर नेशनल इनकम में, में इंक्लूड होता है एक ऑडिशन ने हेंडीक्राफ्ट बनाया वो हैंडीक्राफ्ट को उसने बेचा उस, उसने पैसे अर्न किए वो भी नेशनल इनकम में काउंट होते हैं सो हम जब सब जितने भी इनकम है जितने भी प्रोडक्शन हुए हैं एक कंट्री में एक साल के अंदर में सारे प्रोडक्शन को लेते हैं और लेकर जब उसको काउंट करते हैं वो नेशनल इनकम में में उसको जोड़ा जाता है स्टैटिस्टिकल प्रोसेस वी सी सीएसओ सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस सी एस ओ इज अ गवर्नमेंट एजेंसी इन इंडिया अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन इसका काम है जीटी पी को कैलकुलेट करना है लेकिन 2019 में यह एन के साथ मर्ज हो गई और एक नया ऑर्गेनाइजेशन बना जिसका नाम पड़ा so एन में ओ नेशनल कैलकुलेट करती है जीडीपी अकाउंटिंग में उसका रोल होता है इम्पोर्टेंट कंसेप्ट नेशनल इनकम कैलकुलेशन नेशनल इनकम कैलकुलेशन में सबसे पहला आता है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज क्या होता है वो गुड्स जो रेडी फॉर यूज है यानी उसको और प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है जैसे स्मार्टफोन कार ये रेडी फॉर यूज है दूसरा है कैपिटल गुड्स कैपिटल गुड्स प्रोडक्ट यूज बाय बिजनेस टू प्रोड्यूस अदर गुड्स एंड सर्विसेज सो कैपिटल गुड्स को हम यूज करते हैं कुछ और गुड्स को पैदा करने के लिए गुड्स और सर्विसेज को जैसे मशीनरी हुआ मशीन का काम क्या है मशीन से हम हम फैब्रिक बनाते हैं मशीन से और भी चीजें बनाते हैं तो मशीन एक कैपिटल गुड्स का एग्जाम्पल है इसके जरिए हम कोई और प्रोडक्ट को तैयार करते हैं है. Intermediate goods. Intermediate goods in ये कैपिटल गुड्स का एग्जाम्पल है इंटरमीडिएट गुड्स इंटरमीडिएट गुड्स आर यूज एज इनपुट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज ये इनपुट के तौर पे काम करता है ये रॉ मटेरियल के तौर पे काम करता है जैसे स्टील रबर प्लास्टिक ये कार बनाने में जो काम आता है ये रॉ मटेरियल्स उनको कहते हैं इंटरमीडिएट गुड्स इशन और जीवी ग्रॉस वैल्यू एडेड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सो वट इज जीवी द जीवी रिप्रेजेंट्स टोटल वैल्यू जनरेटेड बाई एन इकोनमी थ्रू द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेस माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स प्रडक्शन इट फोकसेस ऑन द वैल्यू एडेड एट इच स्टेज ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइडिंग मेजर ऑफ द कंट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स टू द इकोनमी सो जीवी क्या करती है कि वो वैल्यू एड करती है एक प्रोडक्ट में वो वैल्यू एड करती है हर एक स्टेज के प्रोडक्शन में इसको और आसान लैंग्वेज में समझते हैं एग्जाम्पल के तौर पर कि रमेश गेहूं की खेती करता है वीट की खेती करता है और उसमें व्हीट की खेती करने के बाद जब हार्वेस्ट करता है मार्केट में बेचने जाता है तो सौ रूपये में सौ रूपये के जी बेचता है मान लीजिए ऐसे तो कम है सौ रूपये के जी बेचता है गेहूं को तो सौ रूपये के जी बेचता है लेकिन उस सौ रूपये के जी में जो बेचने जाता है उसमें कई चीजें शामिल होती हैं जब वो खेती करता है जैसे सीड हो गया फर्टिलाइजर हो गया पानी हो गया फिर हल बैल हो गया तो कई चीजें होती है जो शामिल है कई इनपुट खर्चे जो हुए थे उसके पहले वो शामिल है मान लो सौ रुपये में बेचने गया चालीस रूपए सीड फर्टिलाइजर का खर्चा हुआ तो जो एग्रीकल्चर में जो जीवीए है वो कितना होगा साठ रूपए होगा हंड्रेड मतलब जो बेचने वाला प्राइस है गेहूं का और चालीस उसका इनपुट लगा सीड फर्टिलाइजर बचा सिक्सटी हंड्रेड माइनस फोर्टी सिक्सटी तो ये सिक्सटी उसका जीवीए है ग्रॉस वैल्यू एडिशन है सो तो यही है एक और बड़ा कंफ्यूज होता है कि जीवीए और जीडीपी में क्या डिफरेंस है कुछ लोग इसको सेम भी समझते हैं लेकिन इसमें डिफरेंस है जीडीपी जो सम ऑफ समीवीए और टैक्सेस इसमें इंक्लूड किए होते हैं मतलब जीडीपी में जीवीए भी होता है और टैक्सेशन भी होता है और साथ में सब्सिडीज को माइनस किए होते हैं इंपोर्ट को जुड़ा हुआ होता है यानी जीडीपी इज इक्वल टू जीवीए प्लस टैक्सेशन माइनस सब्सिडी प्लस इंपोर्ट मेन मेन डिफरेंस क्या है दोनों में जीडीपी और जीवीए में देखते हैं जीवीए फोकसेस ऑन वैल्यू एडेड इन प्रोडक्शन एंड एक्सक्लूड टैक्सेस सब्सिडीज इंपोर्ट जीवीए में टैक्स नहीं होती है सब्सिडी नहीं होती है और इंपोर्ट नहीं होता है लेकिन जीडीपी में ये सारे फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं टैक्स भी होता है सब्सिडी भी होता है इंपोर्ट भी होता है जीवीए एक इंडिविजुअल सेक्टर का परफॉर्मेंस को दिखाता है जैसे हमने एग्रीकल्चर एग्जाम्पल लिया है तो इंडिविजुअल सेक्टर को देखते हैं हम जीवीए के थ्रू लेकिन जीडीपी में हम सारे सेक्टर को देखते हैं एग्रीकल्चर देखते हैं इंडस्ट्री देखते हैं सर्विस सेक्टर देखते हैं सारे सेक्टर को मिला के देखा जाता है जीडीपी में जी एक कंपोनेंट है जीडीपी का लेकिन अगर क्लोज इकोनॉमी में जहां पे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट नहीं हो रही है उस सिचुएशन में जीवीए और जीडीपी सेम होगा क्योंकि जी हमें पता है कि जीडीपी में इम्पोर्ट भी शामिल होता है लेकिन जीवीए में नहीं होता है तो ये बेसिक डिफरेंस है जी और जीवीए में बाउंड्रीज ऑफ नेशन बाउंड्रीज ऑफ नेशन में क्या होता है कि ज्योग्राफिकल लिमिट है जो कि कंट्रीज के जितने इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसके अंदर में होते हैं सिंपल सी बात है कि इंडिया है इंडिया में जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होते हैं वो बाउंड्रीज ऑफ नेशन कहलाता है इकोनॉमिक टेरिटरी मोरलेस सेम है इकोनॉमिक टेरिटरी में वही है कि एक कंट्री के बॉर्डर के अंदर में जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होते हैं इकोनॉमिक टेरिटरी का कहलाता है जहां पे प्रोडक्शन कंजम्पशन एक्सचेंज ये सारे एक्टिविटीज होते हैं ग्रॉस इनकम वर्सेस नेट इनकम हम नेशनल इनकम के कैलकुलेशन में देखते हैं जीडीपी डी पी के देखते हैं कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है जीडीपी होता है फिर एनडीपी होता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट सो जीडीपी और एनडीपी में ग्रॉस और नेट आता है इसलिए हमें ग्रॉस और इनकम को समझना है कि ग्रॉस होता है क्या ग्रॉस का मतलब ये होता है कि टोटल जो इनकम होती है उसे कहते हैं ग्रॉस और जो एक्सपेंसेस काट के जो इनकम बचता है उसको कहते हैं नेट एग्जाम्पल के तौर पर एक बिजनेस ने अर्न किया वन लाख रुपीज तो उसका ग्रॉस इनकम हुआ वो ग्रॉस प्रॉफिट हुआ लेकिन उसमें से खर्चे हो गए बीस हजार रुपए कुछ उस इनकम के इनकम करने के लिए बहुत सारे एक्सपेंसेस भी होते हैं तो ट्वेंटी थाउजेंड एक्सपेंसेस हुए इनकम करने के लिए तो बचा एटी थाउजेंड सो एटी थाउजेंड जो है वो है नेट इनकम वन लाख रुपीज ग्रॉस इनकम है एक्सपेंसेस बीस ट्वेंटी थाउजेंड थे सो वन लाख मैंने ट्वेंटी थाउजेंड इज इक्वल टू एटी थाउजेंड एटी थाउजेंड नेट इनकम है और वन लाख जो जो अर्न किया था वो था ग्रॉस इनकम फैक्टर कॉस्ट फैक्टर कॉस्ट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ इनपुट लैंड दैट इज लैंड लेबर कैपिटल यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज सो गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए जो जो इनपुट्स लगते हैं जमीन लगता है लैंड लगता है कैपिटल लगता है इसको कहा जाता है फैक्टर कॉस्ट एग्जाम्पल के तौर पर एक कंपनी पचास हजार रुपए लेबर को देती है सैलरी देती है तीस हजार रूपए रॉ मटेरियल में खर्च करती है और बीस हजार रुपए वो रेंट देती है जगह का तो उसका फैक्टर कॉस्ट क्या हुआ फैक्टर कॉस्ट उसका वन लाख रुपीज फिफ्टी थाउजेंड लेबर थर्टी थाउजेंड रॉ मटेरियल एंड ट्वेंटी थाउजेंड रेंट फिफ्टी प्लस थर्टी प्लस ट्वेंटी टू लाख ये होगा फैक्टर कॉस्ट डिप्रीशिएशन और कंजम्पशन ऑफ फ़िक्स्ड कैपिटल सो इट रिप्रेजेंट्स द रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ फ़िक्स्ड एसेट, मशीनरी और बिल्डिंग ओवर टाइम ड्यू टू वी एंड एंड सो कोई भी जो कैपिटल uh, होती है, जो भी मशीनरी होती है या बिल्डिंग होती है उसकी वैल्यू जो कि तो नहीं रहता है ये समय के साथ उसका वैल्यू कम होता है अगर हमने ट्रैक्टर लिया तो ट्रैक्टर का वैल्यू कम होगा दिन पर दिन या कोई मशीन लिया कपड़ा बनाने का मशीन लिया टेक्सटाइल मिल लिया तो उसमें जो मशीनरी यूज होती है जो दाम उसका आज है वो एक साल बाद नहीं रहेगा तो हर साल उसका दाम कम होता जाता है एग्जाम्पल के तौर तो पर एक मशीनरी है जो हर एक साल उसका दाम दस हजार रुपये कम होता चला गया एक लाख है तो अगला साल नब्बे हजार रुपये उसका दाम होगा फिर अगला साल अस्सी हजार रुपये होगा तो उसको कहते हैं डिप्रीसिएशन या कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इसका मतलब सिंपली ये होता है कि जो इंडियन रेसिडेंट हैं, वो बाहर जाके अगर काम कर रहे हैं पैसे अर्न कर रहे हैं तो वो पैसा और जो फॉरेनर इंडिया में रहकर अर्न कर रहा है वो पैसा दोनों का जो डिफरेंस है वो होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड एग्जाम्पल के तौर पर एक इंडियन सॉफ्टवेयर कंपनी है जिसने यूएस में अपना ऑपरेशन चालू किया है काम चालू किया है और वो प्रॉफिट अर्न करता है इंडियन प्रोफेशनल हैं जो डॉक्टर हैं और कई प्रोफेशनल हैं जो कि बाहर जाते हैं विदेश जाते हैं पैसे अर्न करते हैं सो so, उनका इनकम सॉफ्टवेयर कंपनी का या इंडियन प्रोफेशनल का इनकम और एक फॉर फॉरन कंपनी इंडिया में है जैसे कि सैमसंग है वो इंडिया में पैसे भी अर्न करती है और अपने घर पे भेजती है अपने देश में भेजती है तो जो इंडियन का पैसा जो बाहर में अर्न कर रहे हैं और जो फॉरेनर जो इंडिया में रहकर अर्न कर रहा है दोनों को माइनस करेंगे डिफरेंस देखेंगे तो वही होता है एन एफ आई ए नेशनल फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड सो एन एफ आई ए पॉजिटिव कब होता है जब इंडियन जो जो इंडियन रेजिडेंट है वो बाहर जाके अर्न करते हैं उनका इनकम फॉरनर से ज्यादा होता है जो इंडिया में रहकर अर्न करते हैं तो उसको कहते हैं पॉजिटिव एन एफ लेकिन जो फॉरनर इंडिया में रहकर काम कर रहा है और वो ज्यादा अर्न कर रहा है बजाबते उसके जो इंडियन रेजिडेंट है बाहर में अर्न कर रहा है तो अगर फॉरनर का जो इंडिया में रहकर अर्न कर रहा है उसका इनकम ज्यादा है इंडियन रेजिडेंट के मुकाबले में जो बाहर में काम कर रहा है तो उसे कहते हैं निगेटिव एन एफ आई निगेटिव लेट फैक्ट इनकम फ्रॉम अब्रॉड सो ये कंसेप्ट है उटपुट इट इज कैलुलेटेड बाइ डिवाइडिंग द इंक्रीमेंटल कैपिटल बाई इंक्रीमेंटल आउटपुट इसको साधारण लैंग्वेज में समझते हैं कि आईसीयू आर होता क्या है आईसी का मतलब यह हुआ कि अगर हमें एडिशनल कैपिटल लगा रहे हैं तो हमें एडिशनल उसका कितना बेनिफिट मिल रहा है उसे आई कहते हैं एक और एग्जाम्पल लेते हैं हंड्रेड बिलियन रुपीज अगर इंडिया लगाती है कैपिटल मशीनरी और इंफ्रास्ट्रक्चर में किसी साल में और उसके रिजल्ट में उसका जीडीपी जो इंक्रीज होता है ट्वेंटी बिलियन से होता है यानी हंड्रेड बिलियन लगाया उसने कैपिटल पे और ट्वेंटी बिलियन जीडीपी इंक्रीज हुआ इसका आईसीयू क्या होगा हंड्रेड बिलियन डिवाइड बाई ट्वेंटी बिलियन इज टू फाइव हंड्रेड बिलियन हमने लगाया कैपिटल पे और ट्वेंटी बिलियन हमारा जीडीपी इंक्रीज हुआ तो ICO हो गया फाइव फाइव ये दिखाता है कि हर एक पांच रुपए हमने जो लगाए हैं इन्वेस्ट किए हैं उसका बेनिफिट हमें एक रुपए मिला है यानी एक जी बढ़ाने के लिए एक रुपए का जीडीपी बढ़ाने के लिए हमें पांच रूपए कैपिटल खर्च करने पड़ेंगे सो आई जितना कम होगा उतना किसी इकोनॉमी के लिए बेटर होगा हमें पांच की जगह अगर हम चार चार खर्च करते हैं और हमारा एक रुपया जी डी बढ़ता है तो और ज्यादा बेटर है हमने तीन रुपया खर्चा किया और तीन रुपया खर्चा करके हमें आरा, हमारा जो जी है एक रुपये से बढ़ रहा है वो और ज्यादा बेटर है सो आई जितना कम होगा उतना किसी इकोनॉमी के लिए बेटर है आई जितना बढ़ेगा वो किसी इकॉनॉमी के लिए नुकसान है ये इन्वेस्टर एक और जो गवर्नमेंट है जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको ये समझ देती है आईसीआर के हमारे जो कैपिटल एलोकेशन है वो कितना इफिशियंट है क्योंकि आईसीआर अगर कम है इसका तो मतलब है कि हमारा कैपिटल सही से काम कर रहा है हमारे जी को ग्रो कराने में तो so, ये कंसेप्ट है आईसीओ आर का फॉर वॉचिंग वी विल शॉर्टली मीट विद नेक्स्ट की इकोनमीप्ट टॉपिक प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन और सेंड अस मैसेज ऑन व्हाट्सएप नंबर गिवन ऑन द स्क्रीन